बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। मांझी ने खुद ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। अपने ट्वीट में जीतन राम मांझी ने लिखा कि मैंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पिछले एक सप्ताह में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं अथवा मैं उनसे मिला हूं, उनसे आग्रह है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। अब जीतन राम मांझी की पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इसका फैसला हुआ है। बता दें कि 13 दिसंबर को जीतन राम मांझी के आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी की ओर से जानकारी दी गई कि हम पश्चिम बंगाल चुनाव में उतरेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे के किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए नई योजना लॉन्च की। सीएम के इस नई योजना के तहत अब किसानों के खेत एक दिन भी खाली नहीं रहेंगे और किसान हर मौसम के अनुकूल खेती कर पाएंगे। नई कृषि योजना का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि दल विरोधी गतिविधियों के कारण आरजेडी ने अपने कई नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कुल 11 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। कैमूर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जंगली जानवरों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए 7 तस्करों को धर दबोचा है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने जंगली जानवरों के शरीर के पार्ट बरामद किए हैं। पुलिस ने तेंदुआ की खाल, सुअर के दांत, मृग की कस्तूरी, भालू के बाल, सांप और कछुआ बरामद किया है। साथ ही गिरफ्तार तस्करों के पास से 80,000 से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है। WCCB जो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कार्य करती है, उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पर कुछ वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार वाले गिरोह सक्रिय है। इस सूचना पर सत्यापन के लिए एक टीम का गठन किया गया था और इसी क्रम में एक सूचना मिली थी कि यहाँ भगुआ में एक होटल के पास ये लोग कुछ तस्कर जो हैं ये बिक्री करने के लिए आने वाले हैं। जो संरक्षित वन्य प्राणी हैं उनके अवशेष, इसी सूचना पर तत्काल छापामारी की गई और कुल 3 तस्करों को यहाँ गिरफ्तार किया। मसौढ़ी सिविल कोर्ट के एक एडवोकेट की हत्या के विरोध में वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया है। घटना के विरोध में वकीलों ने कोर्ट में 2 दिनों तक काम नहीं करने का फैसला लिया है। वकीलों ने स्पीडी ट्रायल चलाकर मामले में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की। सहरसा प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में परमीनिया हाल्ट के पास जिला इनोवेटिव फंड योजना के तहत स्वरोजगार के लिए प्रवासी समूह की ओर से स्थापित पेपर ब्लॉक निर्माण इकाई का जिलाधिकारी कौशल कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित मोहनपुर पंचायत मुखिया इंगल यादव सहित राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद रहे। जमुई में अपनी मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक बैठक झाझा रिचलुक स्कूल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण झा ने की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग अंतिम बार 30 दिसंबर तक सरकार से मांग करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग 2 जनवरी से सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। जमुई के झाझा चांदवाड़ी मैदान में रविवार से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल से भी लोग अपना नाम पूरे देश में रोशन कर सकते हैं।